दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है? अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो आप लोग सिर्फ एक ही मूवी का नाम लोगे, जिसका नाम है अवतार। तो भाई साहब बिल्कुल 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 सही है, अवतार ही उस मूवी का नाम है। ये मूवी का बजट लगभग 240 मिलियन डॉलर का था और इसने लगभग 3 बिलियन डॉलर के आसपास की कमाई की थी। तो भाई अब तक का ये क्राइटेरिया मार्वल की कोई मूवी भी नहीं कर पाई। एंड गेम को दो दो बार तीन तीन बार रिलीज किया गया लेकिन वहां तक ये भी नहीं पहुंच पाई। तो यार पहली मूवी ऐसी और 2009 के अंदर आई थी, उस समय का जो CGI ग्राफिक जो काम किया गया था ना भाई, और जो स्टोरी लाइन थी, लोग फैन हो गए थे। अंडर वाटर जो काम किया गया था, CGI में जो काम किया गया था, जो कि वहां पर पहाड़ थे और जो वहां पर लोगों को जोड़ा था, दिल को जोड़ा था कि यहाँ पर जो यहाँ पर एक लोग रहते हैं और इंसान लोग रहते हैं, वहां पर मशीन्स रहती हैं और जो मशीन्स हैं, जो लोग हैं, जो मशीनों का काम कर रहे हैं, अब वो जंगलों को खत्म कर रहे हैं। और अगर जंगल को खत्म कर रहे हैं तो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो नष्ट हो जाएंगी। तो भाई अपने आप को बचाने के लिए वो फिर उन लोगों से लड़ते हैं। तो अब उस मूवी को देखने के बाद जो फीलिंग जाग गई थी ना, जो उस समय क्रोध जाग गया था, उस समय जो आक्रोश था भाई, उसे दोबारा ये फील कराने वाले हैं। तो कौन कराने वाले? जेम्स कैमरॉन। ये भाई डायरेक्टर नहीं, ये क्रांति हैं। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एहसास दिलाया कि हाँ, बहुत शानदार शानदार CGI के साथ लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। मतलब ऐसे काम किए जा सकते हैं जो लोग सदियों तक, जो लोग दशकों तक याद रखें। तो भाई देखो, दशकों तक तो लोग याद रख रहे हैं। अभी ये समय था, इस समय भी कोई इनका टच नहीं कर पाई थी किसी भी लेवल पर। ये दोबारा से अपना एक माइलस्टोन तय करने के लिए आ चुके हैं। 2022 दिसंबर 16 मूवी आ रही है थिएटर्स के अंदर, IMAX 3D। देखो भाई, सजेशन दूंगा IMAX 3D में ही देखना, क्योंकि इस मूवी का एक्सपीरियंस जो है ना, वो IMAX 3D के अंदर ही मिलेगा। बाकी देखोगे तो आप हाँ मूवी देखोगे लेकिन फील नहीं कर पाओगे। लोगों को बता सकते हो कि यार ऐसी है वैसी है, लेकिन अगर IMAX 3D के अंदर देखोगे तो भाई उसे आप जो फील करोगे ना, वो लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आप बता नहीं पाओगे कि भाई क्या था। क्योंकि अंदर जो चीज फीलिंग्स आपको मिलेंगी ना, वो टॉप नॉच होंगी, आउट ऑफ द वर्ल्ड होगी। तो भाई ये चीज के अंदर मिलने वाली है। बात करूं अंदर की, तो भाई देखो अंदर जो मुझे सीन्स दिखे ना, जो जो मुझे प्रभावित कर गए, जो मुझे अच्छे लगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही दिखाया गया कि भाई लास्ट मूवी के अंदर स्टोरी रोक दी गई थी कि वो प्रेग्नेंट है। अब कहानी वहीं से स्टार्ट, और बिल्कुल लिटरली पेट दिखाया गया निकला हुआ कि हाँ ये प्रेग्नेंट है। उसके बाद बच्चा भी दिखाया गया, उस बच्चे को बड़ा होते हुए भी दिखाया गया। फिर वहां पर अंदर जो अंडर वाटर जो सीन्स लिए गए, भाई क्या ही कहने, लेवल हेड्स ऑफ भाई, हेड्स ऑफ शानदार, नेक्स्ट लेवल। उसके बाद अंदर जो वेल के सीन्स हैं, जो वहाँ की मछलियाँ हैं, जो वहाँ पर ये जितने भी इनके पक्षी थे, तो वो सारे के सारे दिखाए गए उड़ते हुए, और उनका जो लेवल था ना, मुझे लग रहा है पहली मूवी से कुछ अप लेवल किया गया है। देखने में काफ़ी अपीलिंग लग रहे हैं। मोबाइल पर देखो, टैबलेट पर देखो, लैपटॉप पर देखो, भाई मूवी तो हमें थिएटर के अंदर देखनी है। वो क्या एक्सपीरियंस होगा ये देखो। मैंने तो अवतार है वो मूवी लैपटॉप के अंदर देखी थी, तो मुझे क्या क्या लेवल लगी थी भाई। जिस दिन मैं अगर थिएटर में IMAX 3D के अंदर देखूंगा, मुझे लगता है उस दिन का मेरा अलग ही एक्सपीरियंस होगा, अलग ही फीलिंग होगी, और मैं उसे क्लियर भी नहीं कर पाऊंगा, लोगों को बता भी नहीं पाऊंगा जितना मुझे लगता है। अगर इसके अंदर स्टार कास्ट की बात करें, देखो भाई नाम हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत गलत बोल दूं। उसका कारण है क्योंकि जो हमारी इंग्लिश है और जो इनकी इंग्लिश है, कुछ अलग ही लेवल की है। या तो पहले से रिहर्सल करके आओ, रिहर्सल अपन को पसंद नहीं, जो फीलिंग है वो डायरेक्ट बोलता हूँ भाई, कोई रिहर्सल नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, जो देखा वो बताऊंगा। तो सीधा नाम बोलने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले सैम मिलने वाले हैं, मेन हीरो है, जोए मिलने वाली है, स्टेपन मिलने वाली है, और ये मिशेल मिलने वाली है, और ये सिंगुरिनी कुछ ऐसी है, क्या लिख रहा है देख लो भाई क्या लिख रहा है। मैं सबके नाम लिख दूंगा नीचे फोटो के साथ में, तो आप पहचान लेना कौन क्या है। बाकी स्टार कास्ट ज़्यादा चेंज नहीं की गई है, पुराने वाले ही रखे हैं, तो हम लोग इनसे जुड़े रहेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्टोरी वहीं से स्टार्ट की गई है। बाकी फिर से वही दिखाया गया है कि एक नॉर्मल एक जातियाँ हैं, एक जाति है ऐसी जिससे हम जुड़ना चाहते हैं, पर लेकिन जुड़ना इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पर जंगल है, कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ से हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं, तो उस कमाई के चक्कर में हम वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा देना चाह रहे हैं। तो वहीं से फिर दोबारा से ह्यूमन वर्सेस मशीन की लड़ाई होने वाली है, और साथ ही साथ में जो कुछ ह्यूमन है वो मशीनों के साथ मिले हुए हैं, जो आर्मी है वहाँ पर हमला कर रही है। और इस बार तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ दिखाई गई है भाई। इस बार जो है मशीन से आदमी है ही नहीं, इस बार मशीन काम कर रही है सारा का सारा, इंटेलिजेंस AI जिसे आज के समय पर हम बोलते हैं, वो सारा का सारा काम संभाल रही है। और अब जो टक्कर है वो नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है, लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, और इस समय पर जो चीज़ें हुए बहुत सारा बदलाव है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी देखो मुझे ट्रेलर से सिर्फ इतना पता चला, मूवी धमाकेदार होने वाली है, शानदार होने वाली है। बाकी अब आप लोग बताओ आपको ट्रेलर देखकर कैसा लगा, रिव्यू आपको मेरा कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट के अंदर बताओ। बाकी देखो इतना ही बोलूँगा, थिएटर में जाकर देखना, और उससे पहले मैं आपको रिव्यू दूंगा 16 दिसंबर को,
16 दिसंबर को आपको रिव्यू मिल जाएगा, तब तक का वेट कीजिए। और प्लीज 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 फंडू मसाला को सब्सक्राइब कर लो यार, आपके लिए मेहनत करते हैं। और सब्सक्राइब करोगे तो यार आपको जो भी वीडियो में सबसे पहले डालूंगा वो सबसे पहले आपको मिलेगी, और तुरंत जाकर उसे देखो, उसे प्यार दो, चारों तरफ फैलाओ। और मैं आपको ऐसे ही शानदार शानदार जानकारी फंडू मसाला पर लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे चलते चलते, जय हिंद।